धार्मिक घटना है, सरकार की धार्मिक योजनाएं है, सरकार धार्मिक उत्पा रही है, तो भाई 50 लाख रुपए बरकत है उसके परिवार को मिलना चाहिए और ये सरकार की तरफ से, क्योंकि ये आयोजन तो है वो सरकार करवा रही है, क्योंकि जो पार्टी है जो आज भारत सरकार है वो धार्मिक उस पर ही आ रही है, तो तरह के जो हाथ कर दिए है भाई घटना भी होगी, अगर भीड़ इकट्ठी होगी तो घटना भी होगी। किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखो जिम्मेदार को व्यवस्था ही रहती है, व्यवस्था पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, अगर भीड़ इकट्ठी हो रही है तो ये सरकार की योजना है पूरी, भाई धार्मिक उत्पात फैल रहे, धार्मिक भावनाएं फैल रहे तो सरकार की योजना है, तो उसमें जहाँ पे भी धार्मिक प्रोग्राम हो तो सरकार उसकी व्यवस्था करवा दे, अगर कोई आता है तो उसका मुआवजा दे। सरकार द्वारा आयोजकों पे ही कार्रवाई, आयोजकों पे क्यों कार्रवाई करो भाई? भाई पहली प्राथमिकता सरकार की है कि देश धार्मिक बने, तो भीड़ इकट्ठी हो रही जनता की आगे भाई लोग तो भीड़ में इकट्ठी हो रहे हैं, सरकार की योजनाओं को सब लोग करेंगे, धार्मिक प्रचार हो रहा है, आपका होगा तो अब आते ही जिम्मेदारी महाराज पे होगा, तो भाई सरकार व्यवस्था करे, ये जिम्मेदारी पूरी सरकार की होती है, या फिर धार्मिक पाबंदी लगाओ, भोले बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें, कोई जिम्मेदारी नहीं महाराज जी की, भीड़ आ रही है उनकी क्या जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी व्यवस्था सरकार को अपने आज नहीं करते भाई, सरकार भाई अभी तो आएगा ना, ये जो क्षेत्र है अब आने वाला टाइम पे धार्मिक युग तो यही होंगे भाई, यहाँ से हाथरसर मथुरा कितनी दूर है, मथुरा की तो बारी है, उन्होंने तो कहा मथुरा की बारी है, तो इंतजाम सरकार को करना चाहिए, अगर डेथ होती है तो 50 लाख रुपए एक परिवार को मिलना चाहिए।